सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री राम वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते।
मयूर कुक्कुट विदे महाशक्ति धरे नगे कुमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा शंख गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्र महाचक्र दुष्टो भृतभसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपे डोग्रेण हन्तुं धीर्घाकृतोद्यमे त्रैलोक्यकर्णसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले नेत्रप्राणहरे चेन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हतदैत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डमुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शब्दे पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभाप्रमितामसि नियते पम्पसि देशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैभस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नः भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेन पूर्यराजगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुराणिव असुरा सिंहवसा पङ्कचर्चितस्ते करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके पाण्डकाभयम् अरोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् वामाश्रितानां न विपन्नराणां वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति धर्मादुषां देवि महासुराणां अरूपैरनेकैः बहुधा त्वमूर्तिं हित्वाम्यकेतान् प्रकरोति कन्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वातेषु वाक्येषु चकात्वदण्डम् मम त्ववर्तेति महाधकारे विभ्रामयते तव ते भविष्यं रक्षासि यत्रोद्रविशासनागा जत्रारयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्रास्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश्वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नो हृभीते नित्यं यथा सुरभता धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गा प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीणे लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं स्वर्गणा वरं जन्मनसे चद त्वं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवावोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिनाशनं देव्यो वाच
वैवस्वयन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यामुत्पास्येते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तनाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरोत्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यहमिष्यामि वैप्रचित्ता सुदानवान् भक्षयन्त्या शतालोक्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाढिमी कुसुमोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मना दृष्ट्या मनोऽसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि जो निजा तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मातरः ततोऽहमखिलं लोकं मात्रदेह समुद्भवे भविष्यामि सुराशाकैरावृष्टैकानधारकै शाकम्भवीति विख्यातं तदा यास्यामहम्भवि तत्रैव च भविष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गाधेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाग्रस्ते लोके महाभागं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरेति च मालोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानभूता भविष्यति तदा तदा वदीयाहं करिष्यामि सञ्चय ओ सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों का माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के सायंकालीन आरती हो रही है। इस गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है, ये हमारा परम सौभाग्य है कि माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हमें आरती के समय माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ की स्तुति करने का, पाठ करने का, सत्संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हमें इस प्रकार के अवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। जब हमारा मन सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर केवल माँ के चरणों की ओर प्रेरित होता है,
और उस समय हमारे मन में सद्विचार आते हैं। आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और मां की आरती के समय मां के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है और मां भगवती की कृपा से आज हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो सभी शरणागत भक्त जनों से निवेदन है कि मां भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। ध्यानम् विद्युत्तामसम् प्रभा मृगपते स्कन्दस्थिता भीषण कन्या विकरबाल केटभिरस हस्ता चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामललात्मिकं शशिधरं दुर्गं त्रिनेत्रं भजे। ॐ दिव्युवाच हेभिस्तवेष्टमा नित्यं स्तोषदेव्यः समाहिता तस्याहं सकला पादं नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेतवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति केतद्भगवतं शुम्भं शुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं नातेषां दुष्कृतं केचित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुतः न भयं तस्य दस्यतो वानराजतः न शस्त्राणलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनमिदत् उपसर्गाणशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमये मम यत्रेदत्पद्यते सम्यक् नित्यमायतरे मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रदिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनधान्याय सुरान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् हरिपवः संशयं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसं माहात्म्यं नोषण्भुवं शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने गृहपीडासु चोक्रासु माहात्म्यं शृणुयां मम उपसर्गः शमं जाते गृहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहापि भूताणां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे जनानां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं
रक्षा भूत पिशाचानां पठना देवनाशनम् सर्वं ममे तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशु पुष्पाद्य धूपे च गन्धदीपे स्तोत्रमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीये हर्निशम् अन्ने च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सक्रे सुचरिते श्रुते श्रुतमहर्ति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम शुद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मै श्रुते वेदितं भयं पुंसा न जायते युष्माभिस्तुतयो जाश्च ब्रह्माश्वरीकृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभामदिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वापिता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान् जातो वा वने वा वनहस्तिभिः राजाक्रुद्धेन च व्यक्तो भद्रो बन्धागतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थिता भूते महार्णवे पदस्सूजापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामेभिषु दारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यन्तितोऽपि वा समन्मे तच्चरितं नरो मुच्चेत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाव्यादस्य वो वेरिणस्तथ दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ते अपि देवा निरातङ्गा स्वाधिकारा यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चतुर्विहरायः देत्या च देव्यान्यते शुम्भे देवरिपोजुलि जगद्विध्वंसनी तस्मिन् महाघेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्वरेतन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जाचिदा च विज्ञानं तुष्टारिध्यं प्रयच्छति ध्यातं गयेतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यः स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले ऋणां सेवा लक्ष्मी वृद्धिप्रदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मदीं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्चणम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभे अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं ह्रों क्लीं ह्रों सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हंसं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कीटवहारिण्ये नमस्ते महिषादिनि नमस्ते शुभहन्ते च निशुम्भासुरघातिनि
जागृतम् हि महादेवे जपम् सिद्धम् करोष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ऋङ्कारी प्रतिपालिका कलिङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तु मे चामुण्डा चण्डघाती च जयकारी वरदायिनी वीर्ये च वयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि धाधे पर्णे वामे भूम्बागधेश्वरी रात्रे कालिका देवी शांशी सोमे शुभं गुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भनादिरे ब्राह्मे भुं भैरवे भद्रे भवानी ते नमो नमः अङ्कं चं कं कं पं यं शं भीं गुं ऐं भीं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय देवतं कुरु कुरु स्वाहा पापे भुं पार्वती पूर्णा खाखे खुखे चरि तथा सांसे सों सप्तशति देभ्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नाथस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं दत्वा श्री दुर्गा आपद्धाराष्टकं नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिने विश्वरूपे नमस्ते जगद्भन्दपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारि दुर्गे अनाथस्य देनस्य त्रिशनातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेका गतिर्देविस्तारयति नमस्ते जगत्तारि त्रयि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्गभीराय गेहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारि त्रयि दुर्गे अपारे महादस्तरे ग्रन्थघोरे विपत्सागरे वर्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारलोका नमस्ते जगत्तारि त्रयि दुर्गे नमः चण्डिके सन्दोहर्ति नमस्ते जगत्तारि त्रयि दुर्गे त्वमेका सदारादिता सत्यवादी अनेका किला क्रोदना क्रोदनिष्ठा इरा पिङ्गला त्वं सुषुमना च नारी नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्व
सिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूति सदा काल आरती स्वरूपे नमस्ते जगत्तारलिंगाय दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्ध विद्याधराणां मुनिगणुज पते गृहगताना दस्युनिर्वासिताना त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो भारते जय सरस्वती वंदना रवि Bye.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षमया दासोऽयं यदि माम क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि नाधानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जर्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चोचरे जाङ्गतिं समभापनोति नातां ब्रह्मा दयासुरा सापराधोऽस्मि शरणं पापस्त्वां जगदम्भिके इदानीमनुपं द्योऽहं जतेष्यसि तथा कुरु अज्ञानाधिस्मृतिर्भ्रान्त्या जन्योऽनामधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे विहानाग्रामि मां प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्य गोपी त्वं विहानां सुमत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि बोल सांचे दरबार की जय। तो भक्तजनों, इस प्रकार हम सब ने माँ भगवती के चरणों में बैठकर एक साथ मां भगवती की स्तुति की पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा जो स्तुति पाठ किया गया है इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन एक स्वर से श्रद्धा पूर्वक मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार अक्षर का नाद करेंगे। सभी भक्तजन मिलकर 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। बोल सांचे दरबार की। तो धर्म प्रेम भक्तजनों, इस समय मां भगवती की आरती की वेला है। मां भगवती जगजननी इस दिव्य गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से
हम स्नान आदि करके माँ भगवती के दर्शनों के लिए माँ के चरणों में उपस्थित होते हैं। माँ भगवती अपने नाम एवं गुणानुसार हमें तीन प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं, और इनके बिना हमारा जीवन जो है वह शून्य है। बिना शक्ति के हम संसार में कोई भी कर्म करने में समर्थ नहीं होते, और बिना धन के हम अपना जीवन यापन बड़ी कठिनता से करते हैं, और बिना ज्ञान के हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। कौन सा कर्म करने से हमारा हित होगा और किस कर्म के करने से हमारा अहित होगा, इसका आभास हमें ज्ञान के द्वारा होता है। और माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, ताकि हम सद्मार्ग पर चलकर अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकें। क्योंकि संसार में हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, हमारा मन जो है अच्छे कर्मों में कम और बुरे कर्मों में ज्यादा रहता है। क्योंकि मन के विषय में कहा गया है कि मन बड़ा चंचल है, इसको काबू में रख पाना बहुत ही कठिन है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलिए पल पल में मन और। मन जो है पल पल अपनी स्थिति बदल देता है। हम कोई अच्छा कर्म करने के लिए अपना विचार बनाते हैं, तो उस कर्म करने में अगर थोड़ा सा भी हमें कोई कष्ट अनुभव होता है तो मन कहता है बार बार कि इसको छोड़ दो, चलो कोई दूसरा काम करते हैं। ये मन की स्थिति रहती है, और मन ही जो है हमारे दुख और सुख का कारण है, हमारे बंधन का कारण भी मन ही है। गीता में कहा गया है, मना ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के सुख दुख का कारण है। हमें जीवन में प्रतिदिन कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं हमारे साथ होती हैं, कई प्रकार के अच्छे बुरे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इन सब का अच्छा बुरा प्रभाव जो है वह हमारे मन एवं बुद्धि पर सदैव पड़ता रहता है। आखिर मन की भी एक सीमा है। अगर मन असीमित होता, उसकी अगर सीमा ना होती, तो हमें उसे वश में, हम उसे वश में नहीं कर पाते। हमारे बहुत से ऋषि मुनियों ने एवं हमारे पूर्वजों ने मन को अपने वश में करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले गए हैं, और कितने ही लोगों ने मन के वशीभूत होकर अपने जीवन को नरक बना दिया है,
और उनका पतन हो गया। गीता में अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से मन के बारे में पूछा, अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी बलवद् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्य वायोरिव दुष्करम। कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, ये मन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही दृढ़ है, बलवान है, इसलिए इसको वश में करना वायु को अपनी मुट्ठी में बांधने के समान है। अतः मन जो है वश में होना असंभव है। इस प्रकार का विचार जब अर्जुन ने प्रकट किया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्येन च गृह्यते। कि हे अर्जुन, निसंदेह मन जो है वह बहुत चंचल है और जे आसानी से वश में होने वाला नहीं है, परंतु अगर बार बार हम इसका अभ्यास करें और संसार में जो हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनका अगर एक एक करके त्याग करते जाएं तो मन को हम वश में कर सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम मन के अंदर की अंदर प्रतिदिन जमा होने वाली जो गंदगी है, जो धूल है, जो हमारे प्रतिदिन का दैनिक कार्यक्रम रहता है, उसमें किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, किसी से घृणा होती है, इस प्रकार के जो हमारे साथ प्रतिदिन घटनाएं होती हैं, तो ये जो गंदगी दिन प्रतिदिन हम अपने मन में जमा करते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, इसको मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो इस प्रकार के जब विचार आते हैं तो मन जो है और अधिक चंचल हो जाता है और उसे क्या होता है कि जैसा हम देखते हैं भौतिक जीवन में कि वह गंदगी किस प्रकार हमारे बुद्धि पर प्रभाव डालती है और हमारी बुद्धि जो है विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। आप सभी के पास एक यंत्र रहता है, मोबाइल। मोबाइल की एक सीमा होती है, उसमें जितने भी हमें संदेश आते हैं तो वह उसमें जमा होते जाते हैं और जब उसकी सीमा जितनी है उससे अधिक होने लगे हैं संदेश जब उसमें जमा, तो क्या होता है, हमारा मोबाइल जो है वो बीच बीच में अटकने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि हैंग हो गया है। तो उसकी जब बुद्धि जो है वो भर जाती है, मन की सीमा जितनी भी है वह जब भर जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए
हम उसमें से जितने भी संदेश हैं उसमें से कुछ संदेश साफ कर देते हैं तो हमारा वो मोबाइल जो है वह फिर से अच्छा काम करने लगता है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जितनी भी गंदगी जमा होती है अगर हम उसे रोज रोज उसे अपने दिल से अपने मन से अगर निकालेंगे नहीं तो वो क्या करेगी, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे, हम सदा चिंतित रहेंगे, उदास रहेंगे और उसके कारण जो है हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा और संसारिक लड़ाई झगड़ों में हम पड़े रहेंगे। इसलिए जब हम अपने मन को साथ साथ उस गंदगी को साफ करते रहें, अपने मन से किसी के प्रति अगर बुराई है तो उसको निकाल दें तो हमारी बुद्धि एकदम अच्छे से काम करेगी। तो इसलिए कहने का भाव यह है कि हम इस चीज का प्रयास नहीं करते और सदैव अपने को इस संसार में उलझाए रखते हैं तो इसको साफ करने का क्या उपाय है। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्संग से जहां भी सत्संग होता हो वहां हम जाकर अपना अगर प्रतिदिन कुछ समय सत्संग में बिताएं, अच्छे संतों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ अगर हम वार्तालाप करेंगे और जो भी हमारे साथ प्रतिदिन घटनाएं होती हैं उन पर अगर हम चिंतन करेंगे, हम क्या करते हैं, चिंतन नहीं करते, हम चिंता करते हैं। चिंता से जो है हम और दुखी होते हैं और अगर उसको चिंतन के रूप में हम अगर उस पर विचार करेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो गलती हम दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं उसमें हमारी भी कुछ उसका हिस्सा है और अगर उस गलती को हम अपने मन से निकाल दें, अपने मन को स्वच्छ रखें तो हमारी चिंता जो है वह सदा के लिए दूर हो जाएगी और हम जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। तो कहने का भाव यही था कि हम जब तक अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे तो हम संसार में सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान ने भी कहा है मना ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, कि मन ही मनुष्य के सुख दुख का कारण होता है, बंधन का कारण होता है और मन ही हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय सत्संग की वेला है, भजनों के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, सब मिलकर के साथ देंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंदर जी से, वह अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री मनिंदर जी जय करा शिरमनदा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, हाँ तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, के हर पल मन रवे मेरा विश्वास माता, के हर पल बने रवे मेरा
सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, और तेरे बचन ते जो चलदा हो रहदा सौगाए, तेरे बचन ते जो चलदा हो रहदा सौगाए, हां तेरे बचन ते जो चलदा हो रहदा सौगाए, तेरे बचन ते जो चलदा अपने बिच भी ना डोले मेरा विश्वास माता, अपने बिच भी ना डोले मेरा विश्वास माता, हाँ तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, हाँ के हर पल सिर ते होवे तेरा मेरी सरकार माता, हाथ सिर ते होवे तेरा मेरी सरकार माता, मां तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, हक हर पल बने रवे मेरा पल बने रवे मेरा विश्वास माता, तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, तेरा रूप जगदम्बे कण कण बिच बसया है, तेरा रूप जगदम्बे जगदम्बे कण कण विच वसिया है, ओ मेरा चंचल मन मैया मोह ममता च फसिया है, ओ तेरा चंचल मन मैया मोह ममता च फसिया है, हां मेरा चंचल मन मैया मोह ममता च फसिया है, तेरा चंचल मन मैया डुबदी मेरी नू करो भग पार माता, मेरी डुबदी मेरी नू करो भग पार माता, हाँ हाँ तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, तेरे चरनाज मेरी अरदास माता, हाँ के हर पल बने रवे मेरा विश्वास, हर पल बनिया रवे
प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जशपाल जी। जयकारा शेरवालीदा बोल सच्चे दरबार की। है मां करूं विनती तुझसे, घर को मेरे जुग से भर दे। को मेरे सुख से भर दे, माँ करो विनती तुझसे, घर को मेरे सुख से भर दे। सुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे, दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे, सुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे। घर को मेरे सुख से भर दे, सुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे, दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे, सुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे, दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे। मन का अंधेरा मिट जाए, ऐसी ज्योत जला दे, मन
जाए ऐसी जोत जगा दे माँ यही बिगड़े काज बना दे माँ मन का अंधेरा मिट जाए ऐसी जोत जला दे मन का अंधेरा मिट जाए ऐसी जोत जला दे दास करे अरदास यही बिगड़े काज बना दे उदास करे अरदास यही बिगड़े काज बना घर को मेरे सुख से भर दे सुख आए ना मन से नारायण ऐसा भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे सुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती है ओ दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती है बोले ना मेरी हर चिंता हर लेती है बिन बोले माँ मेरी हर चिंता हर लेती है दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती है दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती है बिन बोले माँ मेरी हर चिंता हर लेती है बिन बोले माँ मेरी हर चिंता हर को मेरे सुख से भर है माँ करो विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दुख आए ना मन में नारायण ऐसा दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दुख आए घर को मेरे सुख से भर दे ऐ माँ करो विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे दुख आए नारायणी ऐसा वर दे 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 जय कर बोल सच्चे दरबार की जय अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी जयकार श्री बोल सच्चे दरबार की जय मैं आया तेरे सुन लेना मेरी सुना सब आते हैं
ना है सब आते हैं मुरादे आते हैं सुना है सब आते हैं मुरादे आते हैं मैं आया तेरे द्वार लेना मेरी पुकार मैं आया तेरे द्वार सुन लेना मेरी पुकार सुना है सब आते हैं सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं मैं आया तेरे द्वार आकाश में सब चंदा तारे आकाश में सब प्रकाश से चमक रहे तेरी ज्योति प्रकाश से चमक रहे आकाश में सब चंदा तारे आकाश में सब चंदा तारे तेरी ज्योति प्रकाश से चमक रहे तेरी ज्योति प्रकाश से चमक रहे मन में भी वाहिक दीप जला मन में भी वाहिक दीप जला मेरे मन में भी माइक दीप जला मेरे मन में भी माइक दीप जला हर दम तेरा ही ध्यान रहे 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 दिल की यही पुकार मैं आया तेरे दिल की यही पुकार मैं आया तेरे द्वार सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं हाँ सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं तेरे द्वार अंधियारा छाया है मैया अंधियारा छाया है मैया कुछ नजर न आता है मैया कुछ नजर न आता है मैया अंधियारा छाया है मैया अंधियारा छाया है मैया कुछ नजर न आता है मैया कुछ नजर न बलहीन बड़ा कमजोर हूँ मैं बलहीन बड़ा कमजोर हूँ मैं बस तेरा सहारा है भैया 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 दिल की यही पुकार आते हैं बुरा दे पाते हैं हाँ सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं मैं आया तेरे द्वार बस यही कृपा मांगू तुझसे बस यही कृपा मांगू तेरा दर न कभी छूटे मुझसे तेरा दर न कभी छूटे मुझसे बस यही कृपा मांगू तुझसे बस यही कृपा मांगू तुझसे तेरा दर न कभी छूटे मुझसे तेरा दर न कभी छूटे मुझसे और बोलूं क्या मैं क्या मांगूं 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 तेरी आस कभी छूटे मुझसे
तेरी आस नहीं छूटे मुझसे, माँ तेरी आस नहीं छूटे मुझसे, मेरे दिल की यही पुकार मैं आया तेरे द्वार, मेरे दिल की यही पुकार मैं आया तेरे सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, मैं आया तेरे द्वार सुन लेना मेरी पुकार, मैं आया तेरे द्वार सुन लेना मेरी पुकार, सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, हाँ सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं बुरा दे पाते हैं, तेरे द्वार जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जी, जयकारा मेरी शेरावाली मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय, हो जे तू ना फर्जी साडी बाण, हो जे तू ना फड़दी साडी बाह असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, हो जे तू ना फड़दी साडी बाह असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना, ना फड़दी साडी बाह असां रुल जाना सी, ओ फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी साडी बाह असां रुल जाना सी, ओ फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, हो कई जन्म होए बर्बाद रस्ता मिलया, हो कई जन्म होए बर्बाद रस्ता मिलया, हो कृपा जिंदगी दा फल हुण ते खिलया, हो कृपा जिंदगी दा फल हुण ते खिलया, हो जे तू ना पांदी सिधिरा हो जे तू ना पांदी सिधिरा असां रुल जाना सी, ओ फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, हो जे तू ना पांदी सिधिरा असां रुल जाना सी, ओ फिर किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, असारुल जाना सी, ओ फिर किते ना मिलदी था असारुल जाना सी, ओ जे तू ना फड़दी साडी बाह असारुल जाना सी, ओ फिर किते ना मिलदी था असारुल जाना सी, ओ फिर किते ना मिलदी था असारुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी, मां तू मेरी है मैं तेरा रिश्ता टूटे ना, मां तू मेरी है मैं तेरा रिश्ता टूटे ना,
भावे छुट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना। भावे छुट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना। वो तेरे दर ते न मिल दी था जे तेरे दर ते न मिल दी था असा रुल जाना सी। ओ फिर किते न मिल दी था असा रुल जाना तेरे दर ते न मिल दी था असा रुल जाना सी। ओ फिर किते न मिल दी था असा रुल जाना गुण नहीं गा सकदा पापा वे लखा होण जुबान मैं गुण नहीं गा सकदा। हो मेरी मैया तेरा कर्ज मैं करनी अदा सकदा। हो मेरी मैया तेरा कर्ज मैं करनी अदा सकदा। हो जे तू ना देंदी ठंडी छा असारुल जाना सी। ओ फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी। ओ जे तू ना करदी ठंडी छा असारुल जाना सी। फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी। जे तू ना मरदी सलीबा असारुल जाना सी। ओ फिर किते न मिलदी था असारुल जाना। ओ जे तू ना मरदी सलीबा असारुल जाना सी। फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी। ओ फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी। फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी। ओ फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी। ओ फिर किते न मिलदी था असारुल जाना सी। जय करा मेरी शेरां वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जंबो फल चारुर्भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसि इति विश्वं। विश्वेश वंद्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्ति नम्रः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार हम सब ने माँ भगवती के चरणों में बैठकर स्तुति की, पाठ किया, सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। माँ की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव। दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूजन रता
सर्वोपकारी भवन मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव। माँ भगवती आप सभी भक्तों की दीर्घायु करें, आप संतान से युक्त हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों, यशस्वी हों, विद्वान हों, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, कारोबार व्यापार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हों और माँ भगवती सदैव इसी प्रकार आप सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय माँ भगवती की आरती की वेला है, सभी भक्त बड़े प्रेम से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ की आरती गाएंगे, सब मिलकर के बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया श्यामा गौरी तुम ही हो वरदा
की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित पर मुद्रा धारी मैया वर मोरा धारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राज श्रीमाल के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नित गावे मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मैया जय मंगल गरणी मैया जय आनंद गरणी दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी हे मई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी रल मिल बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी घेरा वाली जय माता दी माड़ा वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी चोलिया वाली जय माता दी चुनिया वाली जय माता दी जोता वाली जय माता दी मामा काली जय माता दी पप्पर वाली जय माता दी सत्ते दिंदे जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी चरण सुवारी जय माता दी हरे खजाने जय माता दी सोलायाने जय माता दी सरस्वती माँ जय माता दी हंस सुवारी जय माता दी विद्या दिंदे जय माता दी ज्ञान दिंदे जय माता दी भक्ति दिंदे जय माता दी चोलियाँ भर दे जय माता दी 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 बोल सांचे दरबार की जय तो सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि यशो देहि दिशो यहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः शांति तो सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठकर माँ भगवती की आरती का आनंद लेंगे अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं जय माता की रत्ने गुरु जी को वंदना सिमरा शारदा मेरे आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया कृपहर चौसठ गड़ी दो चरना धार जय thank you.
खड़गं चक्रगदेषु जापवलिनां शूलं वशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दनलिङ्गरेशनया सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाशमद्युतिमास्वपाददशकां सेवे महाकालिका जामस्तु सविधे हरो कमलजो हन्तं मधुकेतवम् अक्षासर्पर्षं गरेशुपुरुषं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिङ्गकर्मजलजं दण्डासुरावाजनं चूलं पाचतुदर्शने जगदपिं हस्ते प्रसन्नायणां शैले शैलवर्तनी लक्ष्मी सरोजस्तिकां गङ्गा शूलहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुकायकम् अर्षादेतलकिङ्करान्दविलसा श्रीकाशतुल्याप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां श्रीजगता आधारभूता महापूर्वा वस्त्रसरस्वती हनुभये शुम्भादिदित्यायणी तुमेव माता त्वविदा त्वमेव वन्दो सुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या दैनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजशयनं परमलाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगविद्यानमन्त्रं वन्दे विष्णो भवनं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मदगे दुलारे गोपिनन्द गोपालमकरं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यापदेहि भगवान् नमस्तुते सच्या ज्योता वाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला चरण वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा विलाच का माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सत्य दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सत्य दरबार की जय को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरण वाली दा वो सच्चे दरबार की जय।